में से कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत बार अपना आईएलटीएस का एग्जाम दे चुके हैं बट हर बार राइटिंग मॉड्यूल में जो बैंस हैं वो कम ही आते हैं। सो बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि आपने बहुत मेहनत की होगी, बहुत अच्छा कंटेंट लिखने की कोशिश की होगी और एग्जाम भी बड़ी उम्मीद के साथ दिया होगा बट हर बार की तरह आपके राइटिंग मॉड्यूल में अच्छे बैंड्स नहीं आते होंगे। सो बहुत बार ऐसा होता है कि हम कुछ ऐसी गलतियां कर रहे होते हैं जिसके बारे में हमें खुद को नॉलेज नहीं होती, खुद को पता ही नहीं होता कि असल में हम मिस्टेक कहाँ पे कर रहे हैं। एंड वो मिस्टेक्स बहुत ही छोटी सी होती हैं, बहुत बड़ी मिस्टेक्स तो नहीं होती, बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं जिसके ऊपर हमारा ध्यान नहीं जाता, जिसको हम बहुत बार इग्नोर करते हैं और कई बार हमें ये लगता है कि ये तो गलती हो ही नहीं सकती। सो टुडे आई एम श्वेता इन फ्रंट ऑफ यू टू डिस्कस अबाउट द डूज एंड डोंट्स ऑफ आईएलटीएस राइटिंग मॉड्यूल। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम बात करेंगे डोंट्स के बारे में एंड द फर्स्ट पॉइंट इज डोंट यूज कॉन्ट्रैक्शंस। कॉन्ट्रैक्शन से मेरा मतलब है कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसको कि आप श्रिंक कर देते हैं एंड आपको ये पता नहीं चलता कि श्रिंक्ड वर्ड मतलब कि कॉन्ट्रैक्शंस आईएलटीएस राइटिंग मॉड्यूल में यूज नहीं होने चाहिए, खास करके टास्क टू विच इज एन एसे, इसमें आप कॉन्ट्रैक्शंस बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे। अब कॉन्ट्रैक्शंस होते कैसे हैं? कॉन्ट्रैक्शंस जैसे कि डोंट, डिडंट, डजंट, हाँ मुझे पता चल रहा है आपके दिमाग में ये आ रहा है कि अरे ये गलती तो मैं भी करता हूं या करती हूं, सो आगे से ये गलती आपको नहीं करनी। डोंट की जगह पे आपको यूज करना है डू नॉट, डजंट की जगह पे यूज करना है डज नॉट एंड डिडंट की जगह पे यूज करना है डिड नॉट। इसी तरीके पे और भी वर्ड्स हैं जैसे हम शुड नॉट हमें यूज करना चाहिए, शुडंट यूज नहीं करना चाहिए। सो मेक श्योर कि आप कभी भी वर्ड्स को श्रिंक ना करें, कॉन्ट्रैक्शंस यूज ना करें जो कि आपके आईएलटीएस के बैंड्स की स्कोर को कम कर देता है एंड आपको पता भी नहीं चलता कि मेरी असल में ये मिस्टेक की वजह से मेरे बैंड्स कम आए हैं। सो यू डोंट हैव टू यूज द कॉन्ट्रैक्शन। एंड द सेकंड पॉइंट इज डोंट यूज टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स एक ऐसी फिक्स लाइंस होती हैं जो कि स्टूडेंट्स ज्यादातर अपने इंट्रोडक्शन में बॉडी पैराग्राफ 1-2 में लगाते हैं एंड उनको ये लगता है कि शायद टेम्पलेट्स लिखने की वजह से उनके बैंड स्कोर अच्छे आ जाएंगे। इमेजिन एक क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं और एक टीचर लिस्ट ऑफ टेम्पलेट स्टूडेंट्स को दे रहे हैं और हर एक स्टूडेंट यही कहता है कि शायद ये टेम्पलेट्स का इस्तेमाल करके वो अपने आईएलटीएस के स्कोर को बढ़ा सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, बिकॉज अगर वो 100 के 100 स्टूडेंट टेम्पलेट्स लिख रहे हैं और हर एक स्टूडेंट का राइटिंग स्टैंडर्ड अलग अलग है, किसी का लेवल कुछ और है, किसी का लेवल कुछ और है और वो टेम्पलेट्स फिक्स्ड लाइंस जो है वो अपने ऐसे में लिख के आ रहे हैं, तो एग्जामिनर क्या सोचने वाला है? एग्जामिनर तो यही सोचेगा ना कि ये मेमोराइज आंसर्स है, रट के आप आगे हैं, आप अपने आंसर को लिख रहे हैं, आपको कुछ भी नहीं पता कि वो कहाँ पे लगना चाहिए, कहाँ पे नहीं लगना चाहिए, कहाँ पे उसकी सही जगह है, कहाँ पे वो कनेक्ट कर रहा है या कनेक्ट नहीं कर रहा। सो दिस इज वेयर द प्रॉब्लम इज, यहाँ पे आप गलती करते हैं और टेम्पलेट्स का इस्तेमाल करके आप जबरदस्ती एग्जामिनर को मजबूर करते हैं कि वो आपके बैंड स्कोर को नीचे लेके आ जाए। सो डोंट यूज टेम्पलेट्स एट ऑल। द नेक्स्ट पॉइंट इज डोंट राइट इलेजिबल हैंडराइटिंग। अपनी हैंडराइटिंग गंदी मत लिख के आइए आईएलटीएस के एग्जाम में। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो आईएलटीएस का एग्जाम देने के लिए रेडी हो जाते हैं बट उनको ये नहीं पता कि असल में उन कसूर उनकी हैंडराइटिंग का है। एग्जामिनर को समझ में नहीं आता कि आप क्या लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं, कौन सा वर्ड लिख रहे हैं। किसी स्टूडेंट्स का आर और एस एक जैसा होता है, किसी स्टूडेंट्स का टी और एफ एक जैसा होता है। सो मेक श्योर कि आप एग्जाम देने से पहले अपने हैंडराइटिंग को अच्छा सुंदर जरूर बना लें। बिकॉज ऑफ द कोविड बहुत सारे चेंजेस आए हैं हर एक सेक्टर में और आईडीपी ने भी चेंजेस लाए रखे हैं आईएलटीएस के चेकिंग सिस्टम में, स्पेशली राइटिंग के चेकिंग सिस्टम में। आप सब लोगों को पता ही होगा कि जो राइटिंग का आपका पेपर है वो स्कैन होता है एंड स्कैन होने के बाद उसकी चेकिंग की जाती है। सो आपको पता है अगर आपकी हैंडराइटिंग ऑलरेडी इतनी खराब है फिर उसके बाद स्कैंड कॉपी एग्जामिनर के पास जाएगी तो आप खुद ही जान लें कि आपके स्कोर कितने के आ जाएंगे। सो मेक श्योर कि एग्जाम देने से पहले जहां पे आप बाकी तैयारियां करती है अपनी राइटिंग को अच्छी बनाने की भी तैयारियां जरूर। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज डोंट कॉपी द क्वेश्चन और टॉपिक। जो आपको टॉपिक दिया जाता है इसमें आपको ये
ध्यान रखना है कि आप सेम चीज उठा के अपने आंसर शीट में नहीं लिख रहे, बिकॉज अगर आप सेम चीज उठा के आंसर शीट में लिख लेंगे तो फिर बैंस किस बात के मिलेंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको टॉपिक को पैराफ्रेज करना है। पैराफ्रेज का मतलब ये होता है अपनी लैंग्वेज में उस टॉपिक को रीफ्रेज करना है ताकि आपका मीनिंग उस टॉपिक से अलग ना जाए। एंड द लास्ट पॉइंट इज डोंट रिपीट वर्ड्स। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको ये लगता है कि अगर वो वर्ड्स को रिपीट करते जाएंगे, उसको अलग अलग सेंटेंसेस में लेके आएंगे, तो उनको लगेगा कि एग्जामिनर जो है वो उनको बैंड स्कोर अच्छे देने वाला है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जब भी आप अपने एसे को लेके मेक श्योर कि अगर एक वर्ड आप लिख चुके हैं, दोबारा आपके एसे में वो वर्ड दिखाई ना दे, बिकॉज इफ यू विल कीप ऑन यू नो रिपीटिंग द वर्ड्स, तो उससे ये लगता है कि शायद इंग्लिश लैंग्वेज में आपकी कमांड है ही नहीं। सो इन ऑर्डर टू शो टू द एग्जामिनर कि आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में अच्छी कमांड है, ट्राई टू चेंज द वर्ड्स, ट्राई टू यूज द सिनोनिम्स, ट्राई टू यूज द डिफरेंट वोकैबुलरी, सो दैट एग्जामिनर के ऊपर अच्छा इंप्रेशन पड़े और एग्जामिनर आपको अच्छा बैंड स्कोर दे। फर्स्ट पॉइंट इज यूज द राइट टोन। जब भी आप टास्क टू लिखे, मेक श्योर कि आप टास्क टू हमेशा फॉर्मल लिखें, इनफॉर्मल ना लिखें, कैजुअल ना हो जाएं, हमेशा लिखते समय फॉर्मल ही रहें। एंड द सेकंड पॉइंट इज यूज एग्जांपल टू सपोर्ट योर आंसर। जब भी आप अपना आंसर लिखें, मेक श्योर कि एटलीस्ट टू एग्जांपल्स तो आप बीच में जरूर लिखें। एग्जांपल का ज्यादातर ये फायदा होता है कि पॉइंट एग्जामिनर को क्लियर हो जाता है कि आप कौन सी बात असल में कर रहे हैं, क्या पॉइंट आप समझाना चाहते हैं। So make sure if you are good in writing example, आप examples को जरूर लिखें। And the third point is limit to the words. ज़्यादातर students को ये पता नहीं होता कि task 2 लिखने के लिए limited words कितने हैं, but मैं आपको बता दूं कि task 2 लिखने के लिए limited words approximately 250 होते हैं। अगर आपके words थोड़े से increase भी होते हैं तो you can reach up to 270 words. अगर आप 250 से कम लिख रहे हैं, that means you are making mistake. थोड़े बहुत वर्ड्स तो आगे पीछे हो जाते हैं, but make sure कि आप ज़्यादा कम या बहुत ज़्यादा 250 से भी बहुत ज़्यादा वर्ड्स ना लिखें, because this can result in decreasing your IELTS band score. So this was all about the video, the do's and don'ts of IELTS writing task 2. I hope आप सब लोगों को ये चीज़ ज़रूर क्लियर होगी कि असल में बैंड्स कम आने का जो कारण है वो क्या है। है तो ये छोटी छोटी बातें, पर छोटी छोटी बातों का ध्यान अगर आप रखेंगे तो डेफिनेटली आपके जो बैंस है वो इंक्रीज जरूर होंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन है इसी वीडियो के रिलेटेड, या आप चाहते हैं कि कोई और वीडियो मैं बनाऊं आईएलटीएस के बारे में, सो मेक श्योर यू कॉमेंट डायरेक्टली ताकि मैं आपके कॉमेंट्स पढ़ू और वीडियोज बनाती जाऊं। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माई चैनल, सो दैट जब भी मैं वीडियोज अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।